हेलो दोस्तों, वाईसीए गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे हैं डिफरेंशिएशन टॉपिक पर, इसमें हमने 1.1 1.2 पूरा किया है। अब आज डिस्कशन करना है एक्सरसाइज 1.3 पर। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो दोस्तों, आज जो चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 में से क्वेश्चन नंबर 2। सो बोर्ड पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है? एडिशन के फॉर्म में, मतलब u प्लस v के फॉर्म में। तो एक्चुअली दिस इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, फंक्शन रेस टू फंक्शन है, लेकिन इसे डायरेक्ट लॉग हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो लॉग अप्लाई करना है, लेकिन अगर एडिशन के फॉर्म में आया है तो डायरेक्ट इसे हम लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। पहले इसे डिनोट करेंगे हम यू आर वी से। लेट वाई इज इक्वल टू दिस फंक्शन, तो इसे मैं लिखता हूँ यू प्लस वी। ठीक है, अगर फंक्शन वाई इक्वल टू यू प्लस वी है, व्हाट आर यू एंड वी? U and V are the functions of X, ठीक है? तो differentiate करेंगे with respect to X. So चलिए differentiate with respect to X ऐसे लिखता हूँ। तो dy by dx is equal to U का derivative आएगा du by dx with respect to X, और V का आएगा dv by dx. Let this be question number 1. चला हळूच एक नंबर equation द्यायचं। आता what is U here? U is e raised to tan x. What is v? Log x raised to tan x. तो पहले du by dx निकालना है, तो u लिखो, u is this one. U is equal to e raised to tan x. तो ये function raised to function नहीं है, इसे log apply करने की जरूरत नहीं है, because this is the standard form. जैसे कि उसे e raised to fx है वो, right? Composite function है, तो e raised to fx के लिए derivative हमारे पास है. What is it? तो e raise to fx into f dash x, है कि नहीं? तो differentiate करो, du by dx is equal to e raise to fx, मतलब e raise to tan x into d by dx of tan x, right? ठीक है, so e raise to tan x into tan x का derivative sec square x, so ये बन गया du by dx. So let this be equation number 2, ठीक है? इसे equation number 2 दे दो, बड़े आराम से, ठीक है? अब हम चलेंगे dv by dx के तरफ। So dv by dx के लिए हमें v पता होना चाहिए। What is v here? V is log x raise to tan x. तो चलिए, now v is equal to log x raise to tan x, ठीक है? So यह function raise to function है, तो इसके जैसा हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं ले सकते। अभी इसे लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स रेस टू टैन एक्स। ये लॉग एक्स रेस टू टैन एक्स है, उसे मैंने लॉग अप्लाई कर दिया। इधर भी लॉग अप्लाई किया, इधर भी किया। अब डिफरेंशिएशन करने से पहले इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, रूल्स ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करो, ठीक है? सो ये tan x इधर आएगा, सो दिस विल बी log v इज इक्वल टू tan x इंटू log ऑफ log x, ठीक है? tan x इंटू log ऑफ log x। चलिए अब राइट हैंड साइड कौन से फॉर्म में दिखाई दे रही है? u इंटू v के फॉर्म में। u इंटू v क्या होता है? प्रोडक्ट फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इस तरह दिस इज यू एंड दिस इज वी फॉर यू। तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वी के लिए डेरिवेटिव वन अपॉन वी डी वी बाय डी एक्स, वी का डेरिवेटिव आगे लेना पड़ेगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स होता है, तो लॉग वाई के लिए वन बाय वाई, वाई का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स, लाइक दैट। लॉग वी के लिए वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है? यहां पर प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, पहला फंक्शन एज इट इज, ठीक है? डेरिवेटिव ऑफ सेकंड,
डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, प्लस अब लॉग ऑफ लॉग एक्स मैं एज इट इज लिखता हूं इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टैन एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट इज द प्रोडक्ट फॉर्मूला। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, जहां पर डी बाय डी एक्स लिखा हुआ है, टैन एक्स इनटू लॉग ब्रैकेट, कंपोजिट फंक्शन है अभी ये, लॉग ब्रैकेट का डेरिवेटिव, इसके पहले कई बार हम कर चुके हैं, लॉग ब्रैकेट वन अपॉन ब्रैकेट डी बाय डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, राइट, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में लॉग एक्स है, लिख दो ब्रैकेट में लॉग एक्स, लॉग ब्रैकेट का डेरिवेटिव वन अपॉन ब्रैकेट डी बाय डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, सो प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज टैन एक्स का डेरिवेटिव, सही सोचा आपने, बराबर है, हाँ काफी मेहनती बच्चे हैं आप, आई एम प्राउड ऑफ यू, टैन एक्स का डेरिवेटिव sec square x, ठीक है, अब आगे लिखते हैं tan x, अभी log x का डेरिवेटिव तो 1 by x आएगा, ये 1 by log x into 1 upon x, देखिए इसके लिए 1 upon x आ गया, प्लस log of log x into sec square x, ठीक है, इन सब के लिए मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, ये 1 upon v था, मैंने v इधर लिया, तो इधर मिलेगा dv by dx, therefore dv by dx will be v into this quantity, तो v क्या है आपके पास, देखिए v, so this is v for you, log x raised to tan x, रखो यहां पर log x raised to tan x, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसे सिंप्लीफाई करो अच्छे से, so tan x upon x into log x, मैं लिखता हूं नीचे x into log x plus sec square x, मैं पहले लिखता हूं, रीअरेंज करेंगे इसे, log ऑफ log x, ठीक है, थोड़ा सा इसे रीअरेंज करने के बाद टर्म्स कैसे लग रहे हैं, सो सुंदर लग रहे हैं, कोई बात नहीं, इसलिए सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 आपको dv by dx दे रहा है, इक्वेशन 2 आपको du by dx देता है, इसे उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में रखो, पुट द वैल्यूज ऑफ values of equation 2 and 3, equation 2 and 3 in equation 1, equation 1 में रखो, आपको मिलेगा dy by dx, dy by dx is equal to du by dx, क्या है आपके पास, du by dx देखिए equation number 2, e raised to tan x into sec square x, ठीक है, e raised to tan x into sec square x, this is du by dx plus अब dv by dx लिखना है, this is dv by dx equation number 2, ये पूरा क्वांटिटी वहां पे लिखना है, log x raise to tan x, ठीक है, into bracket tan x upon x log x, ठीक है, plus sec square x into log of log x, ठीक है, तो ये बन गया उसका फाइनल आंसर, दिस इज डी वाई बाय डी एक्स, इट्स सो सिंपल, ले लीजिए स्क्रीनशॉट बड़े आराम से, सो और जाते जाते एक मस्त लाइक भी देते जाइए, इसका तो मैं कम से कम हकदार हूं कि नहीं, हाँ, तो अगला एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, सो दिस इज साइन एक्स रेस टू टैन एक्स प्लस कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स, अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ यू प्लस वी, पहले इसे यू प्लस वी से डिनोट करो, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू टैन एक्स प्लस cos x raised to cot x, दिस इज y इज इक्वल टू यू प्लस वी, सो डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy by dx विल बी du by dx प्लस dv by dx, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 मैंने दे दिया, अब du by dx और dv by dx सेपरेट निकालेंगे और इक्वेशन 1 में रख देंगे, so what is u here, u is sin x raised to tan x, here u is equal to sin x raised to tan x, just think ऐसे बहुत सारे examples हमने किए हैं, now this is in the form of fx raised to gx, अगर fx raised to gx के form में है तो इसे log apply करना पड़ता है, applying log on both sides, so log u is equal to log of
साइन एक्स रेस टू टैन एक्स, ठीक है। अब ये लॉग ए रेस टू एम रूल्स ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करो। अगर लॉग ए रेस टू एम है तो हम इसे एम लॉग ए लिख सकते हैं, राइट। तो ये टैन एक्स इधर आएगा, ये जो पावर है टैन एक्स, ये टैन एक्स इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, बड़े आराम से आएगा, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, टैन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, रीडिंग दिस। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ यू इंटू वी, ठीक है, इज लॉग यू। सो यू इंटू वी अप्लाई करो, प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, वन अपॉन यू डी यू बाय डी एक्स। मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ अभी, लॉग यू के लिए वन अपॉन यू डी यू बाय डी एक्स। टैन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, टैन एक्स एज इट इज डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, ठीक है, प्लस लॉग साइन एक्स एज इट इज इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ टैन एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ टैन एक्स, ठीक है। आप देखिए टैन एक्स वैसे ही रहेगा, लॉग साइन एक्स लॉग ब्रैकेट, लॉग ब्रैकेट के लिए डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन ब्रैकेट डी बाय डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या, ब्रैकेट में साइन एक्स है, लिख दो साइन एक्स, तो इधर भी मैंने लिख दिया साइन एक्स, प्लस लॉग साइन एक्स एज इट इज, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स इज सेक्स स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये जो यू था, यू वन अपॉन यू वाला यू उधर शिफ्ट कर देता हूं, डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू ब्रैकेट, यू इंटू ब्रैकेट टैन एक्स इंटू इंटू वन अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, प्लस लॉग साइन एक्स एज इट इज इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देता हूं। अब जो यहां पर जो यू है यू, तो यू के बदले मैं लिखूंगा साइन एक्स रेस टू टैन एक्स, दिस इज यू फॉर यू। सो मैं इधर लिख दूंगा अभी डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू टैन एक्स, साइन एक्स रेस टू टैन एक्स, व्हाट इज दिस, दिस इज यू, सो इनटू ब्रैकेट। अब देखिए ये कॉस अपॉन साइन हो गया, तो साइन टैन एक्स क्या होता है, टैन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। या फिर ऐसा करो टैन एक्स इंटू कॉट एक्स लिखो, टैन एक्स इंटू कॉट एक्स विल बी वन, रेसिप्रोकल से एक दूसरे के, ऐसे भी लिख सकते हैं टैन एक्स इंटू कॉट एक्स बाद में वन लिख सकते हैं, या फिर टैन एक्स को साइन बाय कॉस कर दो। चलो टैन एक्स को मैं लिखता हूं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, आर यू गेटिंग दिस, ये टैन एक्स मैंने लिखा, दिस इज टैन एक्स, उसके बाद ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है, यहां पर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर कॉस एक्स और कॉस एक्स कैंसिल हो गया, साइन और साइन ये भी खचाक हो गया, खचाक माने हाँ कैंसल हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब वन है अभी वहां पर। सो दिस बिकम्स साइन एक्स रेस टू टैन एक्स इंटू ब्रैकेट वन प्लस लॉग साइन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं वन प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, रीअरेंज करना है तो दिस इज डी यू बाय डी एक्स, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर टू दे दीजिए, डी यू बाय डी एक्स आपको मिला, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। वी इज इक्वल टू, वी इज इक्वल टू कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स, ठीक है, वी इज कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स। तो अप्लाई करो लॉग, फंक्शन रेस टू फंक्शन है, तो लॉग वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स, ठीक है। अब ये लॉग ए रेस टू एम बन गया, एम इधर ले गया, ठीक है, सो कॉट एक्स इधर आएगा, कॉट एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक है।
अब राइट हैंड साइड तो प्योरली कौन से फॉर्म में आ गया, यू इंटू वी के फॉर्म में आ गया, तो यू इंटू वी अप्लाई डिफरेंशिएशन करो। सो इसे थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, एक बॉर्डर मार देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये बॉर्डर मैंने मार दिया, ठीक है। अब वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, यू इंटू वी कॉटेक्स इंटू लॉग ब्रैकेट का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ सीधा। मैंने जैसे यहाँ पर स्टेप लिखा हुआ है, ये स्टेप मैं अवॉइड कर देता हूँ, इसे डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ। वन अपॉन ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स एज इट इज, क्वाटेक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर डी वी बाय डी एक्स, डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, या वी नीचे वाला वी इधर प्रोडक्ट में आएगा, ब्रैकेट डाल देता हूं मैं इस पूरे क्वांटिटी को। यहां पे क्वाटेक्स है कॉस अपॉन साइन लिख देता हूं मैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, इंटू माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, ये माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉटेक्स को मैंने कॉस अपॉन साइन कर दिया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को टेन एक्स लिख सकते हैं, ये टेन एक्स इंटू कॉटेक्स इट विल बी वन, ये माइनस साइन था माइनस वन रहेगा, ठीक है। ये माइनस साइन यहां पर लग गया, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अब ये माइनस साइन मैं बाहर लेता हूं, माइनस वी इंटू ब्रैकेट, ये तो कैंसिल हो गया, देखो अभी ये कॉस एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो गया। यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, यहां पे कुछ भी नहीं, मतलब वन रहेगा। यहां पे प्लस कोस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, ऐसा कुछ रहने वाला है, ठीक है। अब v के लिए आप लिखेंगे डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी, वी मतलब कॉस एक्स रेस टू कॉटेक्स, कॉस एक्स रेस टू कॉटेक्स इंटू ब्रैकेट, ये माइनस साइन था, ये माइनस साइन मैंने दे दिया, ठीक है, माइनस ऑफ कॉस एक्स रेस टू कॉटेक्स, वन प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, रीडिंग दिस, ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री। अब क्या करना है अगले स्टेप में, इक्वेशन नंबर थ्री डी वी बाई डी एक्स और इक्वेशन नंबर टू, इसे इसके जगह पर लिखना है, ये डी यू बाई डी एक्स इसे उठाना है यहाँ पे रखना है, और ये डी वी बाई डी एक्स इसे भी उठाना है और यहाँ पे रखना है। सो मेरी कॉपी पर जगह कम है तो इसलिए आखिरी स्टेप बता देता हूँ। ये वाला इक्वेशन है राइट हैंड साइड, इसका यहाँ पे लिखना है, और इसका राइट हैंड साइड ये जो दिखाई दे रहा है इक्वेशन टू का, यहाँ पे लिखना है, दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट बड़े आराम से, और एक मस्त सो दोस्तों तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दोस्तों ये आखिरी एग्जांपल आपके सामने है। सो टेन एक्स रेस टू टेन एक्स रेस टू टेन एक्स ऐसा कुछ दिया है, फंक्शन रेस टू फंक्शन रेस टू फंक्शन, टेन एक्स के ऊपर टेन एक्स है, उसके ऊपर फिर से टेन एक्स दिया है, इस फॉर्म में फंक्शन दिखाई दे रहा है। देखने के बाद ऐसा लगता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सो देखिए आपको एक रूल ऑफ इंडाइसेस अगर पता होगा तो इसे क्या कर सकते हैं, देखिए ए रेस टू एम ब्रैकेट रेस टू एन, अगर ऐसा हो सकता है तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए रेस टू एम एन कर सकता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका पावर ए और इस इन दोनों के लिए पावर ए है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो एक काम करेंगे हम, इसे मैं पहले वाई से डिनोट करता हूँ, ठीक है, वाई से मैंने डिनोट कर दिया। अब देखिए लॉ ये पहले y इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू टेन एक्स रेस टू टेन एक्स, ठीक है, ब्रैकेट रेस टू टेन एक्स मैंने लिख दिया। चलिए मैं इसे log अप्लाई कर देता हूँ, log y इज इक्वल टू log ऑफ टेन एक्स
रेस टू टैन एक्स, रेस टू अगेन टैन एक्स, तो ए रेस टू एम ब्रैकेट रेस टू एन, तो ये टैन स्क्वायर कर सकता हूं, या फिर दूसरा एक अल्टरनेटिव है आपके पास, लॉग ए रेस टू एम, ये पहले पावर इधर लेके आओ, बाद में ये टैन एक्स इधर लेके आओ, टैन एक्स इंटू टैन एक्स इधर आएगा टैन स्क्वायर, या फिर दूसरा एक अल्टरनेटिव अपने सामने है, इसे टैन इंटू टैन टैन स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब देखिए मैं इसे लिखता हूं लॉग ऑफ टैन एक्स रेस टू टैन स्क्वायर एक्स, ये मैंने यहां पर अप्लाई किया, यहां पर टैन एक्स इंटू टैन एक्स कर दिया टैन स्क्वायर एक्स। अब ये है लॉग ए रेस टू एम, एम मतलब टैन स्क्वायर एक्स, तो एक काम करो ये जो टैन स्क्वायर एक्स है इसे आराम से इधर लेके आइए, ये यहां आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी टैन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ टैन एक्स, ठीक है, दिस इज लॉग वाई। तो दोस्तों एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल बन गया, अभी राइट हैंड साइड आपको मिला यू इंटू वी के फॉर्म में, देखिए इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यू और ये भी है, सो कॉम्पोजिट फंक्शन आपको सिर्फ पता होना चाहिए डेरिवेटिव। चलिए मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई के लिए वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ यू इंटू वी कर दो, टैन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग टैन एक्स के लिए वन अपॉन टैन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, ओके। उसके बाद लॉग टैन एक्स में एज इट इज लिख देता हूं, तो टैन स्क्वायर एक्स मतलब टैन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर है कि नहीं, मतलब क्या है एफ एक्स रेस टू एन बन गया ना, वो कॉम्पोजिट फंक्शन एन एफ एक्स रेस टू एन माइनस वन, मतलब टू इंटू टैन एक्स इंटू टैन एक्स का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा आगे डी बाय डी एक्स ऑफ टैन एक्स, अगर समझ में एन एफ एक्स रेस टू एन माइनस वन मतलब टू माइनस वन, वन इंटू टैन एक्स का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाई मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है, वाई मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, टैन स्क्वायर एक्स, टैन स्क्वायर एक्स, ये टैन स्क्वायर एक्स अपॉन टैन एक्स है, तो इधर ऊपर सिर्फ एक टैन एक्स रहेगा, टैन स्क्वायर एक्स, नीचे एक टैन एक्स है, तो ये टैन इसके साथ कैंसिल होगा, एक टैन एक्स रहेगा, टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस लॉग ऑफ टैन, ये टू टैन एक्स लिखता है, लॉग ऑफ टैन एक्स इंटू ये टू टैन एक्स वैसे ही रहेगा इंटू टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स। ये जो वाई है वाई वाई हम यहां से यहां पर रखेंगे टैन एक्स, व्हाट इज वाई, वाई इज दिस वन टैन एक्स रेस टू टैन एक्स रेस टू टैन एक्स, ठीक है। अब देखिए दिस विल बी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए टैन एक्स रेस टू टैन एक्स रेस टू टैन एक्स, ठीक है, इंटू ब्रैकेट टैन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स, टैन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स, उसे हम कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन उसे कॉमन नहीं निकालेंगे हम, देखो टू इंटू टैन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू लॉग टैन एक्स है उसके साथ, ठीक है। अब देखिए आपको डेरिवेटिव पूछा है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर के इस पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव पूछा है, तो एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर डेरिवेटिव विल बी डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर विल बी, जहां जहां एक्स है वहां पर पाई बाय फोर रख दो, टेन पाई बाय फोर क्या होता है वन, वन रेस टू वन टेन पाई बाय फोर, टेन फोर्टी फाइव, टेन पाई बाय फोर मतलब टेन फोर्टी फाइव वन होता है, तो ये आएगा टेन पाई बाय वन रेस टू वन, रेस टू वन मतलब वन। सो देखिए पहले मैं रख देता हूँ टेन पाई बाय फोर रेस टू टेन पाई बाय फोर रेस टू टेन पाई बाय फोर, ठीक है, ब्रैकेट में टेन पाई बाय फोर इंटू सेक पाई बाय फोर,
tan pi by 4 into sec pi by 4, इसका स्क्वायर आएगा वहां पर, है ना। अगर फंक्शन का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर होगा, प्लस 2 tan pi by 4 into what, log of tan pi by 4, ठीक है। अब आगे देखिए, tan pi by 4 तो 1 होता है, तो अब क्या चमत्कार होता है देखेंगे। सो दिस बिकम्स 1 एरेस टू 1 ही आ गया, उसे अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट में देखिए, अब tan pi by 4 1, sec pi by 4 अगर आपको पता नहीं है तो sec का रेसिप्रोकल क्या है, cos, cos pi by 4 पता है आपको, 1/√2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल √2/1 मतलब √2, तो ये √2 उसका स्क्वायर होगा, तो यहां पे लिखता हूं √2 स्क्वायर प्लस 2 into tan pi by 4 1 log of tan pi by 4 मतलब 1 log 1 आ गया वो, और log 1 क्या होता है, 0, करेक्ट। सो 0 into this, ये √2 स्क्वायर 2 रहेगा, तो dy यहां पर एक मैं बॉर्डर मार देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये dy by dx है, तो dy by dx will be, therefore dy by dx will be, ये 1 तो वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट में √2 स्क्वायर 2 प्लस 0, तो ये आएगा 2, सो dy by dx at x is equal to pi by 4 is 2, that is your final answer। तो दोस्तों ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बड़े आराम से ले लीजिए और एक मस्त। तो दोस्तों अब इसमें एक एग्जांपल है, जैसे 10 रेस टू एक्स रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 10 रेस टू एक्स, इस फॉर्म में एक एग्जांपल है, उस टाइप का एग्जांपल मैंने लिया है, और एक पहला तो आप ट्राई कर सकते हैं, एग्जांपल एक बाकी है सिर्फ, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया है कि नहीं। सो फिर अगर वो एग्जांपल आप ट्राई नहीं कर पाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहां पर पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।